CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला विज्ञान गीत। इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं कार्यक्रम कोयले की कहानी, कोयले की जुबानी। दोस्तों, जरा पहचानिए तो ये आवाज किसकी है? पहचानिए, पहचानिए। ये भाप के इंजन की आवाज है। क्या आपको ये मालूम है कि भाप के इंजन को चलाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता था? तो चलिए हम बता देते हैं, वो ईंधन था कोयला। क्या आपने कोयला देखा है? आजकल कोयले का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। आइए सुनते हैं कोयले की कहानी, उसी की जुबानी। कितना कठोर कितना काला, ये सुनकर मेरा मन भर आता। काम तुम्हारे कोयला हरदम आता, फिर भी किसी को क्यों ना मैं भाता। देकर अपनी शक्ति तुम्हें मैं, जलकर अपनी राख बनाता। भाप के इंजन को मैं चलाता, विद्युत पैदा करता मैं। उद्योग चला करते थे हरदम, हो उद्योग चला करते थे हरदम। मेरे दम पर मेरे बल पर, जन्म मेरा वरदान था तुम पर। रखते मुझे संभाल कर, अरबों सालों में बन पाया था, गहराई में दबा पड़ा था। प्राकृतिक प्रक्रमों के चलने से, घने जंगलों के दबने से, मिट्टी की परतें जमने से, दाब ताप के फिर बढ़ने से, कार्बनीकरण प्रक्रिया के चलने से, धीरे धीरे हौले हौले मृत वनस्पति बदली मुझमें। वनस्पति अवशेषों से बना मैं, जीवाश्म ईंधन कहलाया गया मैं। खानों में दबा रहा मैं, वर्षों यूं ही पड़ा रहा मैं। प्रक्रमण मेरा करके तुमने कोक कोल तार कोल गैस निकाले। बड़े काम की चीज बने, उद्योगों में उपयोग हुए। मन पर फिर भी बोझ बड़ा, सीमित संसाधनों में हूँ पड़ा, सीमित संसाधनों में हूँ पड़ा, सीमित संसाधनों में हूँ पड़ा, सीमित संसाधनों में हूँ पड़ा। दोस्तों, अभी आपने सुनी कोयले की कहानी, कोयले की जुबानी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। कोयला इन दिनों बहुत कम इस्तेमाल में लाया जाता है। सोचिए, ऐसा क्यों है? कोयले की कहानी, कोयले की जुबानी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय समन्वय, संकल्पना एवं आलेख डॉक्टर रुचि वर्मा, संगीत हरभजन सिंह, गायन स्वर
रक्षित, अभिषेक और बच्चे। विशेष आभार प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश और डॉक्टर विजय शारदा। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो तथा निर्माण एवं प्रस्तुति विमलेश चौधरी।